पांच कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में लोन मेले का शुभारंभ किया। इस मेले के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए आमजन को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत गोरखपुर जनपद में लगभग 500 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वैश्विक महामारी के बीच रोजी रोजगार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़कर उन्हें लाभान्वित करना मुख्य उद्देश्य। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। सरकार की तरफ से उनके ग्रुप जो है समूह बनाकर उनको सरकार 90% सहायता देगी, 10% को स्वयं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब से ये मंत्रालय MSME विभाग जो है पिछले 4 सालों के अंदर आपके लक्ष्य को एक प्रतिबद्धता से इसको कुशलता से भी इसका क्रियान्वयन भी किया गया है। और इसी कारण जब कोरोना पिछले साल जब आया था तो लगता था कि ये काम रुक जाएगा, मगर आपने बुलाकर हम लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन इस प्रक्रिया को ऑन करें। शासन के स्तर पर भी और बैंकों से भी सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में योगदान दे रहे हैं। आपने गाजियाबाद में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में आप लोग आगे आए हैं। सरकार की मदद आगे भी निरंतर इसी प्रकार से मिलेगी और मुझे विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में और बेहतर करने में सफल होंगे। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। हमारे मंत्री अतुल गर्ग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर। कितने का ऋण आपने लिया है? सर 10 लाख का मैंने लोन लिया है। इसकी ट्रेनिंग भी ली है? जी हाँ सर, मैंने इसके पहले मैंने ट्रेनिंग लिया है सर। हाँ जी। हाँ जी। तो ये ट्रेनिंग के बाद जो आप जो है वहाँ पर ये डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण का कार्य करेंगे तो इसके लिए मार्केट भी ढूंढा होगा, आपने बाजार भी ढूंढा होगा। रोजगार सृजन योजना के अंदर 10 लाख रुपया प्राप्त हुई है, वो इन्हें साइबर कैफे खोलेंगे सर, आपसे बात करेंगे सर। समसुद्दीन जी क्या काम शुरू करने जा रहे हैं? हाँ नमस्ते सर, मैं एक छोटा सा साइबर कैफे चलाता था जिससे मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर मैंने जिला उद्योग विभाग गोरखपुर में संपर्क किया, वहाँ मेरी मुलाकात जिला उपायुक्त उद्योग श्री रवि कुमार शर्मा जी से हुई। उन्होंने मेरा उचित मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करने के पश्चात उन्होंने मेरा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन साइबर कैफे एवं जन सेवा केंद्र संचालित हेतु प्राप्त कराया। सर इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगा मेरे साथ साथ अन्य 5 लोगों को भी रोजगार दूंगा। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या क्या कार्य आप इससे कर पाएंगे? सर ऑनलाइन से संबंधित सभी कार्य आए जाते हैं। सभी कार्य जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए आपको
और आपके पूरे परिवार को इसके लिए बधाई। एक अच्छा कार्य है कि हम लोग सरकारी परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को खोया, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है। हमें मानना पड़ेगा ये महामारी है और इस महामारी को हल्केपन से न लेकर के इसके लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर भरपूर सहयोग राज्य सरकारों को किया, चाहे वह दवा का हो, चाहे वह वेंटिलेटर्स का हो, चाहे वह टेस्टिंग का हो और चाहे आज वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का। हम सब जानते हैं कि 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। पहली बार हो रहा है जब किसी महामारी के खिलाफ इतनी जल्दी वैक्सीन बना, मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन मार्केट में आ गया। 16 जनवरी से भारत के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ, पहले चरण में। कल्पना करिए, अगर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का ड्राइव देश के अंदर प्रारंभ नहीं होता, सेकेंड वेव का मुकाबला हमारे हेल्थ वर्कर्स कैसे करते, चिकित्सक कैसे करते। थोड़ा कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि समय से हेल्थ वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन प्रदान कर दी गई, जिससे सफलतापूर्वक सेकेंड वेव जितनी तीव्र की थी, जितनी संक्रामकता उसमें थी, उसका उतनी मजबूती के साथ सामना करने में हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उतनी मजबूती से उसको फेस भी किया। अपने जान की परवाह न करते हुए प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। अरे दिखाए हैं जरा, अभी से बोलो। ये सर 4 लाख का लोन है, आइए सखी आटा चीज लीजिए, बताइए आपको मुकेश यादव थोड़ा भी विस्तार कर लो आपका नेटवर्किंग इत्यादि का, और भी कोर्सेस बताइए आपको ढेर सारी, अच्छा करिए कोई सहयोग और आगे आगे भी कोई सहयोग चाहिए तो बता दीजिए, हम लोग है आपके साथ। अच्छा से इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व लाभार्थियों ने बताया। आज तो लोन मेला का शुभारंभ किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपया का जो लोन का अवसर पर रोजगार लोग के लिए दी गई है, इस पर विभिन्न योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किए हैं। खासतौर पर जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंदर लोन वितरण का मेला है और मुख्यमंत्री रोजगार मेला है, उसके अलावा खादी ग्रामोद्योग विभाग माध्यम से लोन वितरण है, उसके अलावा विश्वकर्मा योजना के अंदर जो टूल किट वितरण, सभी चीज़ गोरखपुर में हुआ है। तकरीबन 500 लाभार्थी का आज गोरखपुर में लाभान्वित किए हैं, कहीं किसको 5 लाख मिला, कहीं 10 लाख मिला है। सब लोग का जो अपने लोन के बाद अपने अपने काम भी प्रारंभ किए हैं, बहुत लोग का इस पर रोज़गार मिलेगा और उन लोग जो कितने लोग लोन प्राप्त किए उन लोग भी अपने अधीनस्थ बहुत लोग का रोज़गार देने के लिए वादा किए हैं, ये आज संपन्न हुआ। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये का लोन साइबर कैफे एवं जनसेवा केंद्र संचालित हेतु लिया और इसके साथ ही साथ हमने अपने साथ ही साथ पाँच लोगों को रोजगार भी दिया, या यूँ कहूँ कि मेरे साथ साथ अन्य 5 लोगों के परिवार का भी भरण पोषण मेरे द्वारा किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के साथ आपके मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है क्या, उनसे उन्होंने क्या निर्देश दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार भारत के तहत वही